नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 133 से लेके सेक्शन नंबर 140 इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड फोकसिंग ऑन इंडियन पेटेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। मैंने ऑलरेडी 3 प्लेलिस्ट बना के रखी है यहाँ पर इस चैनल पे, जहाँ पर मैंने पहली प्लेलिस्ट में पूरी थियोरीज कवर की है, सेकंड प्लेलिस्ट पे 200 से ज्यादा एमसीक्यूज रखे हैं एंड तीसरी प्लेलिस्ट पे केस स्टडीज ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज पेपर 2 को सबसे इजी पेपर बना के रखा है। अगर आप पेपर 2 से परेशान हैं तो इस वीडियो के एंड पे वो वाली प्लेलिस्ट, पेपर 2 वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। और साथ साथ में मैंने क्विक रिविजन की वीडियो डाली है जो सारे सेक्शन के कीवर्ड, होम नंबर एंड टाइमलाइन को इंडिकेट करती है। रात को सोने से पहले अगर आप एक बार सुनो उसको, 15 दिनों तक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे तो सारे जो सेक्शंस हैं उसके कीवर्ड, उससे रिलेटेड फॉर्म्स और उससे रिलेटेड टाइमलाइंस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 133 फोकसिंग के इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पे हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। कन्वेंशन कंट्रीज किसे कहते हैं? जो बायलेटरल ट्रीटी करे उसे हम कन्वेंशन कंट्रीज कहते हैं। कैसी ट्रीटी करे? बायलेटरल ट्रीटीज का मतलब होता है कि जो नेशनल ट्रीटमेंट इंडिया अपने सिटीजन को देता है वैसी ही नेशनल ट्रीटमेंट किसी और कंट्री के पर्सन को दे, तो वहां पर उस कंट्री के साथ इंडिया का बायलेटरल ट्रीटमेंट है, यानी नेशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो भी पेरिस कन्वेंशन की कंट्रीज है उसे ही हम कन्वेंशन कंट्रीज कहते हैं। ये लिखा है सेक्शन नंबर 133 में। सेक्शन नंबर 134, अगर कोई कंट्री हमें नेशनल ट्रीटमेंट नहीं देती है और उस कंट्री के लिए इंडिया पे भी कोई नेशनल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्या क्या नेशनल ट्रीटमेंट? कि कोई भी पेटेंट पे वो ग्रांट नहीं ले सकते हैं, असाइनमेंट नहीं ले सकते हैं, लाइसेंसी नहीं बन सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कभी भी इन फ्यूचर कोई अपनी ऑथोरिटी नहीं रख सकते हैं वैसी कंट्री के लोग, जिस कंट्री में इंडियन पर्सन को नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट। ये लिखा है 134 में। 135 क्या बताता है? 135 कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। कन्वेंशन एप्लीकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ 12 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी है एंड सर्टिफाइड कॉपी भी साथ में सबमिशन करनी है और प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट भी साथ में सबमिट करने हैं। ये तीनों कंडीशंस नोटिफाई की गई है कन्वेंशन एप्लीकेशन के सेक्शन नंबर 135 में। सेक्शन नंबर 136 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वेंशन एप्लीकेशन क्या है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, फिर डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन और नो प्रायर एप्लीकेशन, देन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विथ क्लेम। देखिए इसमें बात क्या हो रही है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने हैं अलोंग विद द कन्वेंशन एप्लीकेशन, आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन, जो भी पहली एप्लीकेशन जिस भी कंट्री में डाली है उस एप्लीकेशन को मेंशन करना पड़ेगा। नो प्रायर एप्लीकेशन, उससे पहले कोई और पर्सन के द्वारा कोई एप्लीकेशन प्रायरली होनी नहीं चाहिए, ये प्रायर आर्ट सर्च करके डालना है। एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विथ क्लेम्स, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो क्लेम्स के साथ होते हैं उसी को कहा जाता है। पोस्ट डेट करवा सकते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को बाय 6 मंथ, जो प्रोविजन दिया गया है 17(1) में, अगर वो 12 महीने का टर्म पीरियड एक्सटेंड करना है तो, जहां पर कन्वेंशन एप्लीकेशन को 12 महीने के अंदर अंदर फाइल करना है उस केस में। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 137 में क्या लिखा है, मल्टीपल प्रायोरिटी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि किसी एक पर्सन ने इंडिया में एक पेटेंट फाइल की, अफ्रीका में जाके दूसरी पेटेंट फाइल की और अमेरिका में जाके तीसरी पेटेंट फाइल की और 12 महीने के अंदर अंदर कन्वेंशन एप्लीकेशन एक बनाकर
सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो उस केस में इंडिया में जब फाइल की उसकी प्रायोरिटी अलग होगी, उस क्लेम की प्रायोरिटी अलग होगी, अफ्रीका वाले की अलग होगी एंड अमेरिका वाले की अलग होगी। तो वो प्रायोरिटीज कंसिडर की जाती है क्लेम्स में, ये लिखा हुआ है मल्टीपल प्रायोरिटीज इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन इन 137 सेक्शन। मगर उसके साथ में कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, इसके साथ में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए फिलअप करवाए जाते हैं, उसके साथ में जिसकी भी प्रायोरिटी हमने क्लेम की है ना क्लेम्स में, उस प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 138 सप्लीमेंट्री प्रोविजन एज टू कन्वेंशन एप्लीकेशन। क्या है सप्लीमेंट्री प्रोविजन कि जो अगर रिक्वायर्ड हो, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो मल्टीपल प्रायोरिटीज जब बात आती है तो उसमें हमें कॉपी सबमिट करनी है, मगर अगर प्रूफ मांगे कंट्रोलर उन कॉपीज के, तो उन कॉपीज को सर्टिफाइड करवा कर हाजिर करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंट्रोलर अगर उस चीज को मांगे तो। अगर कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है तो पेटेंट का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना पड़ेगा, ये लिखा है सेक्शन नंबर 138 में। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही इंडिया में फाइल करना है अगर इंडिया को एज अ कन्वेंशन कंट्री, एज अ इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी रखा है तो, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 138 में। सेक्शन नंबर 139 अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट टू अप्लाई कन्वेंशन एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन और कन्वेंशन एप्लीकेशन सेम ट्रीटमेंट मिलेगी। क्या प्रोविजन है? अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट टू अप्लाई टू कन्वेंशन एप्लीकेशन। क्या प्रोविजन है कि जो कन्वेंशन एप्लीकेशन है, भले ही वो बाहर से किसी पर्सन ने इंडिया के अंदर फाइल की है, मगर वो कन्वेंशन कंट्री के थ्रू आई है, इसी वजह से उस एप्लीकेशन को भी इंडियन पेटेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 140 अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन नॉट लॉफुल टू इंसर्ट। ये नॉट लॉफुल टू इंसर्ट क्या है समझिएगा इसको। अगर मैंने कोई एक पेटेंट फाइल की, आपने मेरे पास से उस पेटेंटेड प्रोडक्ट के लिए या फिर प्रोसेस के लिए एक लाइसेंस खरीदा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पता चल गया कि आपका बिजनेस मेरे बगैर चलने वाला नहीं है, तो मैं क्या कहता हूं कि पेटेंट तो ठीक आप यूज कर ही रहे हो, बट उसके साथ में थोड़े से और इक्विपमेंट भी पेटेंट से जो ना रिलेट कर रहे हैं वो भी आपको मेरे से परचेज करने पड़ेंगे। तो ये हो गया अनलॉफुल ग्राउंड। इस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड एज पर सेक्शन 140 कोई भी पर्सन ऐसी चीज को ओपोज कर सकता है। तो आई होप कि आपको सेक्शन नंबर 133 से सेक्शन नंबर 140 तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब आपके सामने जो प्लेलिस्ट आ रही है उसमें से एक चीज याद रखिएगा, क्विक रिविजन वाला वीडियो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। रात को एक बार रिवीजन करेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर सारे सेक्शंस कीवर्ड्स के साथ, फॉर्म्स के साथ और टाइमलाइन के साथ आपके दिमाग में छप जाएंगे। और ऐसे छप जाए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।